हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है? तो इसे ड्रॉ करना सीखेंगे और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया प्रीवियस एक्सरसाइजेस के, या जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस वाले क्वेश्चन का या अगले एक्सरसाइजेस का, तो उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, यानी कि एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है आपको, ठीक है? उसका रफ स्केच कुछ भी बना लेना है। उसके बाद मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर, यानी कि एक पॉइंट पी ले लेना है उसके अंदर में, इंटीरियर में, मैंने इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको एक्सरसाइज 4.3 के सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में डिटेल में समझा दिया है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एंड ए पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, और एक पॉइंट क्यू ले लेना है उसके कहीं पर बाहर में भी। इज़ द पॉइंट ए इज इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर, और आपको ये बताना है फिर कि जो पॉइंट ए होगा ना वो क्या उसके एक्सटीरियर में बन रहा है या फिर उसके इंटीरियर में बन रहा है, ठीक है? तो आइए इसको मैं आपको डायग्राम बना करके समझा देता हूँ कि आपको कैसे डायग्राम बनाना है, इंटीरियर कहाँ लेना है, एक्सटीरियर कहाँ लेना है, और जो पॉइंट ए है वो कहाँ पर मिलेगा आपको। तो देखो, जैसे जैसे हमको क्वेश्चन में बोला गया है हम उसी टाइप से स्टार्ट करते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया था, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बनाने रहा है एबीसी, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, ये इस तरीके से आया है ना, इसको इधर ले जाओ ऐसे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, तो ये हमारा एक ट्रायंगल एबीसी बन जाएगा यहाँ से। क्लियर, ट्रायंगल एबीसी। अब इसका नाम भी दे दो आप, इसका नाम दो ए, इसका नाम दो बी, इसका नाम दे दो सी, तो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी बन गया। अब क्या बोला है, मार्क ए पॉइंट पी, यानी कि एक पॉइंट आपको पी बनाना है उसके इंटीरियर में। तो इंटीरियर मतलब ये जो अंदर का इलाका है ना, अंदर का एरिया, इसी को इंटीरियर कहते हैं। तो आप इसमें कहीं पर भी बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ यहाँ है ना, मैं बीचों बीच में बना देता हूँ। यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी बना दिया, बस यही हमको बोला गया था कि उसके इंटीरियर में आप एक पॉइंट पी बना दो। उसके बाद क्या बोल रहा है, और क्यू पॉइंट बनाना है आपको इसके एक्सटीरियर में, इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब कि बाहर में कहीं पर, तो बाहर में इसी के आसपास में ही बनाओ, ज़्यादा दूर में मत बना देना, है ना? दूर में बनाओगे तो गलत नहीं रहेगा, सही कहलाएगा, लेकिन पास में बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है। तो इधर बना दो, इधर बना दो, यहाँ यहाँ कहीं पर भी आप बाहर में एक पॉइंट क्यू बना दो, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है? ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर क्यू जो कि उसके एक्सटीरियर में है। अब हमको क्या बोला था, ये बस इतना कंप्लीट हो गया, बस यही आपको ड्रॉ करना है। अब क्या बोला है कि इज़ द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर, तो ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है, ठीक है? तो जो पॉइंट ए है वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, तो आप देखो ये सब जो है ना, ये ए बी और सी, ये तीनों क्या हैं, उसी ट्रायंगल में हो रहे हैं, ट्रायंगल के ऊपर आ रहे हैं, ऑन द लाइन, ठीक है? ऑन द ट्रायंगल आप इसको कह सकते हो, ठीक? तो ये ना ही इंटीरियर है और ना ही ये एक्सटीरियर है, जिसमें आप लिख भी सकते हो कि ए इज़ नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर बिकॉज ए इज़ ऑन द ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारा ए है वो ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर में है। क्लियर, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, यानी आपको पहले इतना सॉल्व भी करना है, उसके बाद छोटा सा स्टेटमेंट बना करके आप इसका आंसर लिख देना, ठीक है? कि ए इज़ हमारा नाइदर इंटीरियर, ना ही इंटीरियर है नॉर एक्सटीरियर, और ना ही वो हमारा एक्सटीरियर है, ठीक? ए इज़ ऑन द ट्रायंगल ए बी सी, जो ए है हमारा वो ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर में है। खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट, ठीक? अब हम लोग इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ना वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर आपको एक तरह से रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग आपने सुने होंगे अपने बड़े भाइयों से कि रीजनिंग होता क्या है, वहाँ पर आपको ना डायग्राम को देख करके अलग अलग चीज़ों को वहाँ पर बताना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपके सामने अभी 2 विंडो ओपन हो गया होगा, लेफ्ट वाले में क्लिक करो तो सीधे आप नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।